क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों ऐसा डांस करना आसान नहीं होता है, इसके लिए दीदी ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि दीदी ने मेहनत नहीं, कुछ सस्ते नशे कर लिए थे जो कि मुझे दादी जी ने बताया। देखिए, अरे कर ले भैया रे हजार, ओ मंडी माली लाम हो गए रे। बस हवा निकल गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद आता है और एक डांस, जिस गाने पे लगभग लगभग इंडिया की सारी लड़कियां डांस कर चुकी है। आखिर इस तरह के डांस पापा की परियां कैसे कर लेती है, इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस तरह के डांस करने के लिए इन्हें के बाद लड़कियां तो ग्रुप में डांस कर ही लेती है, लेकिन उसमें भी इसका नशा नहीं हटता, तो इन्हें घर जाके ये करना पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद भी पापा की परियां की नशा नहीं फटता, तो ये कॉलेज जाते समय कुछ इस प्रकार की हरकत करते हैं। हजारीबाग में पढ़े थी, जल्दी वो मिले वास्ते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इतना सब हो जाने के बाद लड़कियां सोचती है कि अब क्यों ना बॉयफ्रेंड से मिल लिया जाए। बेबी, मैं तुम्हारी सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज तो दिखाओ ना। पहले गेस करो फिर दिखाऊंगा। गेस सबके सामने? हाँ। पचास बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो दोस्तों देख लिए ना पापा की परिया नशे में क्या क्या कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, और कमेंट में जरूर बताएं कि इस तरह की पापा की परियां आप लोगों ने देखी है या नहीं।